आप लोगों के बीच में रखने जा रहा हूं बाबूजी। विराज सुनने वाले भैया बाबू छच्छा हम बात तो समय की है। मेघ मंद में लंका पति रावण का जब नाश हुआ, लंका पर विजय प्राप्त करके मर्यादा पुरुषोत्तम रामचंद्र जी अयोध्या आते हैं, राजा अभिषेक होता है, प्रभु राम अयोध्या के राजा बन गए। और अचानक भरा दरबार में एक धोबी के ताना से सीता माता को भी बन जाना पड़ा। ये हर का बात हर छोड़े तनी लंका में चली। जब लंका पति रावण का जब अंत हुआ, उसके ठीक कुछ दिन पहले मंदोदरी गर्भवती रही। 9 महीना 10 दिन के बाद मंदोदरी के गर्भ से बहुत सुंदर तेजवान पुत्र रत्न की प्राप्ति होती है। भाव मास्टर अबा चाहत की सगरी। अपने बेटावा के गोदी में जब मंदोदरी पोलसी झरझर झरझर रोथ पंचो, यह सोच के रोथ कि हे मालिक है दुनिया के दाता, जौने नगर में जौने घर में एक दिया जरावे वाला ना रहल, आज मालिक हमार सुन ले ले बारे हमारे दोनों नयन का ज्योति हमार बेटावा वही बेटावा के पालस पोषत माई। धीरे धीरे समय बीतल, प्रमाण मिला बाबू कि 18 साल का हो गया वह लड़का, नाम का रख ले बा मंदोदरी। माँ से मंदोदरी, माँ अपने ही नाम राशि पर नाम रख ले बा मंदोदरी मकरंद अपने बेटावा का नाम मकरंद रखती है। देखा 18 साल का उम्र है लड़का के, देखा बड़ा तेज है बापे के समान। लंका में लैकन के अपने जोड़ी पारी के लैकन के संगे जब खेला जाए, जे ढेर बनो के पटक चढ़ पटक दे हो धबिया पाट पे काला जंग चढ़ाए के पटक के सीना पर सवार हो जा अपन बे लड़िकवा कुल का हाई देखा अरे मकरंदवा कोई दिनवा कहे न पैदा भइले रे, कहे मकरंद कहिया रे भैया। लइकवा कहे जइया लंकवा जरत रह धू धू कह के ओ हिदरवा कहे न तब पैदा भइले। बोलो भैया बनत हुए चल भाग। अरे मकरंदवा सीना फुलाओ तो कलस। अरे भाई देखा निपोरियन के करे लंका जरल ये तो हमके ना मालूम हा। ओ दिनवा कहे न पैदा भइले तो गुस्सा में लाल हो के एक छे बात कहला सा लड़का मकरंदवा और लड़कवन से के बात कहला सा का कहला भैया। और श्री चंद्रिका पहलवान
मकरम कहला साहब कान खोल करके सुन लो तुम लोग काकल से भैया यह बतिया का था लाई कवन से अरे तो कोई मकरन कहने वाला नहीं बेटा जौन हो गई तो ओके छोड़ जौन बीत गई तो बीत गई मैं घमंड में पूरे परिवार का नाश हो गई बेटवा तू ही तो हमारे एक छे आंखी का पुतरी हुआ हमारे करेजा का टुकड़ा हुआ लाल हट कर दिया मकरंद कहा माम देखा गुरुजी तीन गो हट बड़ा खतरनाक होला एगो राज हट एगो तिरिया हट एगो बाल हट हट कर दिया माँ के सामने वाला लड़का माँ बताना पड़ेगा तब मंदोदरी माई बतावत हो कैसे महाराजगंज गाजीपुर गुरुजी पारस गुरुजी के ओर से ये आशीर्वाद पैसा नहीं आशीर्वाद है चौड़ों में बहुत प्रणाम करता हूं कैसे भैया वा सामने लाचार हो जाती है एक से लगाई
कौ से लगाई ज्ञान तक सारी बतिया अपने बेटवा से बता दे। भैया ढोलक कटाकी देखला खपड़ा में ही बोले थे भैया माई कुल बतिया बता देस। जब कुल बात जान गल बेटवा हाथ जोड़ के अपने माई से करस माई कुल बतिया तो बता देलू लेकिन बताई हमारे पिताजी जो तीनों लोग के प्रगान विद्वान थे उनके जैसा प्रतापी राजा उनके जैसा वीर कोई नहीं था। तो केकर भक्ति माई करत रहन केकर पूजा पाठ कैलन के इतना वीर भइलन इतना प्रगान विद्वान भइलन। माई कहलस की बेटवा आओ घर दानी भोले दानी के परम भक्त रहलन जवन मंगलन भोले दानी से तुहार बाबूजी फूलन। जब इतने बतिया सुनल सब मकरंद हो माई मंदोदरी का बेटवा बात सुन के माँ का निकलल है लंका से और लंका के जंगल में जाके भगवान भोलेनाथ के मनावे लगल लगल है पुकारे प्रमाण बिना बाबूजी कैलाश पहाड़ पर विराजमान थे भगवान शिव जी। अंतह दृष्टि से देखते हैं कि लंका में मुझे कोई याद कर रहा है। भगवान कैलन का भैया भैया आई बनी ना टाइम वेस्ट मत करी भैया सुनो वाले भैया बाबू चचा हो लंका वाले जंगल में खड़ा हो के एक पैर पहेतरे भगवान भोलेनाथ को पुकारत पुकारत बा भगवान भोलेनाथ कर जब देखलन है कि अरे लंका में हमके केहू याद करत बा तब है लंका भैया गीत के लाइन लगल कैसे स्वर्गीय रामदेव गुरु जी अपने जवानी के आलम में गावत रहल हम तो देखले ना रही पंचो लेकिन के सेटवा में सुनत रहली कोनो तुलही अपने तुलहा के 3 बजे भरहरिया में सपना देखत रहल कि हमार बम्बैया राजा कमाई के घरे आवत रहे। जब अखिया खुलल तो दुल्हनिया ले जा गई यह बतिया कहत छौ का कि हम प्रीतिया हम प्रीतिया करितियो न जगदी हाय जिंदगी चवार होई महाराज आप इतना गीत रहल लेकिन भगवान भोलेनाथ त्रिशूल डमरू ले ले हजाक से वही लंका के जंगल में पहुंच गए। बोलाओ तो कि हे बाबू हे लड़का तोरे भक्ति पर हम अति प्रसन्न बानी जवन मांगे कहो कम मांग ले बेटवा हम देव के लिए देव के खातिर दिलो की ना तैयार बा। एक बार बोलोलन दो बार तीन बार चौथ की बार डांट के कलन खिया बंद करके वो भगवान के मनावत था हक से खिया खुलत तो देखत कहा हमारे सामने त्रिशूल डमरू अमृतसाल पहले क्यों हंसा था तब मकरंद हंसा था थपोड़ी पीट के अरे आप के भगवान कलन देखा बन गई अरे हमके तो याद कर ले बेटवा हम ही त्रिलोकी नाथ रे भोले नाथ बेटवा तोरे भक्ति पर हम बड़ा प्रसन्न बानी जौन मांगने को मांग ले कौ तो भगवान विश्वास ना होता कि तू भगवान हुआ काहे बदे विश्वास ना हो रहल बा यही बदे जेकरे तन पर वस्त्र ना भैया भैया जेकरे तन पर वस्त्र ना हा वो हमके दे ही का भगवान हसदल कहल कि अरे पगला अरे मांग के देख भक्त की भावना को भगवान समझ नहीं पाए उसके प्यार में आकर के फंस जाते हैं प्रभु
और वह लड़का कहता है कि प्रभु अगर हमारे भक्ति पर खुश हुआ तो तीन वचन तोहके देवे के होई। कहना जाए ऐसा ही होगा, मांग लो बेटा। तो कहता प्रभु मांगत थिला सुना तनी कनवा खोल के का कला सा मन में विचार करता था कि आज अनहोनी, आज अनहोनी के होली में बदल दे भगवान तोहरे दया से। का कहलस कि आज अनहोनी, अरे होली बनैबे, अरे सपनवा वचन पहला वरदान आपसे हम मांगत थिला। भगवान भोले ना सोचत हो कि खिलौना मांगी, पैसा रुपया मांगी, कोठी महल मांगी, यह कुल मांगी लड़का हाथ दे दे। तो मांगत कहा मकरंद बाबा भगवान भोले ना से कि देई ता विजय बरी। भगवान भोले ना पीछे घुसुक गई, पीछे घुसकत हुवन कहला विजय पर, अरे बेटा अरे विजय पर कोनो खिलौना ना हरे, विजय पर वरदान लेके का करबे तू। तो हसा था मकरंदवा कलश कहलिए ना प्रभु कि ना देबा वचन देले हुआ, खाली वचन जाई तो तीनों लोक में हाहाकार मच जाई कि वरदान वचन दे के भगवान झूठा बन गइलन। कहा था का कि देई दा विजय बरी हे स्वामी मंगनिया सर की चीज कि मुंह से निकले हवा पानी या दुनिया कि सर का प्रभु तो धरती अंबर तक वो धरती अंबर तक धरती अंबर तक सबके न चाहिए बचन में फसाई है। सबके नचैबे बचन में फसा ले हलत उ मकरंदवा की तरह खेत के पकड़ा। ओ तादे के यह तो प्रलयकारी है, और मैं बचन दिया हो तो वरदान देना पड़ेगा। भगवान देखा उनके पैरों तले जब जमीन खसकली है, देखे बात सुन सम सोचत हूं का तेरी के भाव अरे जीवन के पाती तेल बिन जली ए भैया जीवन के पाती तेल बिन जली अरे तो सुन के यार भंगी के बुद्धि भई के साथ। अरे भैया तोरे कमर पर रेल चले गजब गजब।
तो शूटिंग में जाए लग हाँ तुरंत लौट के अलन जाए कुछ दूरी पर गैलन कल ये भाई वरदान तो दे दिल लेकिन के मंत्र ना ही देली भाग लेलन भगवान मकरंदवा कहा था कि का प्रभु कुछ भुला गिला कहा कलन किए रे यार तुमको तो वरदान मैं दिया लेकिन मंत्र तुम नहीं लिया कहा जल्दी बताओ प्रभु जल्दी बताओ कलन की मंत्र दे रहा हूं कान खोल करके नोट कर लो अपने दिमाग में दिमाग खोल करके अपने दिमाग में नोट कर लो और मेरी बात सुनो कान खोल करके कल समकंदवा कहा प्रभु कलन की ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय का जाप करत रहबा धर्म का स्थापना करबा अधर्म का साथ छोड़ के धर्म का रक्षा करबा बाबू तोहार कोई बाल बाका न कपाई जैया धर्म को छोड़ करके तुम अधर्मी बन जाओगे उस दिन तुम्हारा अंत हो जाएगा तो प्रभु ना ना अधर्मी ना बनो धर्म का स्थापना करो लेकिन ओकरे मनवा में तो कुछ और जरूरत हो विजय भर का वरदान दे ले ले बा मुहावा से जवन हवा निकले अग्नि के समान निकले मुझे धरती लोग पाताल लोग तीनों लोग में मुझे मारने वाला कोई पैदा ना हो ये तो कुल मिलिए गलब कर के कई का पाई सीधे लंका से निकलल है तो कहां चलल है अयोध्या के तरफ प्रस्थान कैलस यह मनवा में सोचा था कि भगवान भोलेनाथ कुल वरदनवा दे ही देलन चल के अयोध्या के फूकब चलल भैया तो भाव है कैसे स्वर्गीय बुलू गुरु जी अपने जवानी में गावत रहे कि कह जवन मजा ए गुरु जी जवन मजा आम के चटनिया ए पंचो जवन मजा आम के चटनिया उसो बड़ी खतरनाक चीज है अगली लेनिया कि जवन मजा अपने दूल्हनिया जवन मजा अपने दूल्हनिया उही रोई पधानपुर की धरती से बहुत रुपए का आशीर्वाद और गुरु जी की ओर से पुनः आशीर्वाद एक गीत के भाव पर दलन चौड़ों में बहुत बहुत नाम बा और बड़का भैया यूसुफपुर मोहम्मदाबाद चौड़ी गली सुन कैला रजऊ अरे मिर्जापुर के कैला गुलजोर हो कचौड़ी गली सुन कैला रजऊ यो मालिक इतना गीत रहल लेकिन मकरंद लंका से चलल है जो अयोध्या के फूके बदे वरदान लेकर के भगवान शिव से जब पहुंचल तो भैल का राजधानिया में यही रहे आवाधा राजधानिया में यही रहे
अयोध्या के जंगल में जो भी प्रवेश कैलस तो देखा था कुछ पेड़ पौधा किए भाई लंका की तरह हरो पेड़ पौधा हो लेकिन एक आंकों में अंतर है हर कुछ पतइयों को नहीं चिखा था नीम को पतई तोड़ के तन चिखल तौती लगल जमाई फेंक दल अरे कड़वा लगत था तरी सा और अंदरवा जब गए तो देखत का हा एकदम आलीशान एक छे बरगद का पेड़ बहुत बड़ा बट है बट वृक्ष बरगद का पेड़ वो का टहनिया ऐसा रहल का डलिया ऐसा रहल कि जना के धरती के छुअत जाते हो वही एक दार पर एक छोटा सा बानर बैठल हो शरीर ओकर छोटी सा हो पोछिया बड़ी बड़ी आ रही है तब नगर अयोध्या के अरे बनवा में यही ले दहिले देखो तो कि ये भाई बरगद का पेड़ बहुत अच्छा है लेकिन एक बरगदवा के दरिया पे छे जनावर बैठल है ये रास्ता छिखले है छोटा सा ओकर शरीर है लेकिन पोछिया 10-20 फुट को है बड़ी मोटा हर बा सोचलस कि लगल है इतने खुटी आवा सोचत है कि हाई देखा ये अनावर जनावर कौन है एक बेर एक हाथ से झटकप जाए के अयोध्या में गिरी पोछिया जो है ना पकड़ के यही तरह उठा के फेंक चाहा था जो ही तरह सट्टा जो भाई पोछिया हथवा से इधर पकड़ चलत हनुमान जी के बानर के रूप में हनुमान जी बैठल हो भगवान के भजन में दिमाग दिमाग में बाप देखा कहीं भी छमहच लगा ला शरीर में कोनो अंग में चाहे यही अंगूठा में पैर के अंगूठा में तनिक सा उठ लग जाला तो दिमाग बता दे हनुमान जी भक्ति में लीन हुआ यह सोचत हो कि हमार पोछ कौनो पकड़त है पोछिया के टुनका दे कहीं से टुनकौलन हो फेकाय के तिहा दूरे फेकाय हो मकरंदवा भुरिया अगर लगत दूर पोछ है अरे अरे हई देखा अरे भगवान भोलेनाथ हमके प्रदान देले बाड़े लगल हो ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय का जाप करे जब ओम नमः शिवाय का जाप करे लगल है हनुमान जी के काने में आवाज गई है कि अरे अयोध्या में बाघ बकरी के घाट पर पानी पियलन ई निपोरी कहां से आ गए खड़ 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 वही बरगद के पेड़ टहनी पर से उतरल था आए के सामने खड़ा भइल रे भैया रास्ता रहल हम बैठल भगवान के भजन में तू के हुआ भैया तनी परिचय बतावा तू दुष्टता काहे करत हुआ मकरंदवा सोचत है कि ये भाई अयोध्या में पनरवा कुल आदमी वही बोलबो कर लकाश हो यह विचार में ओकर मन में यह कि बानर जाति आदमी वही बोला था हनुमान जी भगवान हनुमान जी करल के है ललका कान खोल के सुन ले ज्यादा पिट 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 बोलबा हलक से जवान खींच दे मकरंदवा कल सही देखा तनी सा नरम भाव होतला तो ई कड़ेर हो जात है परचे बतावा आप के हुआ हनुमान जी गुस्सा में लाल हो कलम के हमके लोग प्यार से कहेला राम भक्त हनुमान कहां सा लगल मकरंदवा रे अरे हे भगवान हम कोनो सपना देखत की सैया के देखत ही अच्छा कुल लइको हमके ताना मारत रहन लंका में कि छोटा सा एक बानर के जैसा कोई लंका जलाने वाला नहीं तो का तू हुआ हुआ का जो लंका जल रहा हनुमान जी कल कौन सब मैं घमंड में रावण था मैंने उसकी लंका जला दिया भगवान का आदेश रहता तो
का पूरा नाश करके चली आई तक बस बस मऊ है करया लीला मकरंदवा कल समऊ है करया लीला जैसे तू लंका के जरूर रहला वही तरह तुहार अयोध्या बात बात में इतना बात बढ़ गई भगवान मर्यादा पुरुषोत्तम रामचंद्र जी को अनाप शनाप जब बोले लगलू मकरंदवा हनुमान जी गदा उठा लिए कहे मारूंगा ऐसी गदा कि पता लोक में धर जाओगे मकरंदवा कलस ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय हमारे हाथ में गदा हो गदा करे हाथ में आ गया हनुमान जी सोचत हो तो साला वरदानी है ये तो वरदानी है बाद बाद में जब बात बढ़ा ले तो देखा दोनों ओर से तैयारी हो चुका तैयारी वाली गीत लग गई मालिक कैसे ये गीत के द्वापर चुक में जब भगवान कन्हैया चले जाते हैं गोपिया बिरह में उद्धव से कहर ली बतिया कैसे कहर ली गोपिया गौने ना जे कई कहे कि हम गवाना नहीं जाब अरे हम गवाना नहीं जाब नहीं नहीं प्रीत बड़का भैया के ओर से बहुत बहुत काम करता हूं नमन करता हूं नाम से बड़े हैं लेकिन भगवान हनुमान जी और एक मकरंद भगवान सॉरी भगवान हनुमान जी राम राम के नाम ले धुवन और मकरंदवा ओम नमः शिवाय का जाप कर रहा गाजीपुर से प्यार भरा आशीर्वाद श्री भगवान अच्छा अच्छा हाँ स्वर्गीय बाबूजी के स्वर्गीय सुपुत्र भगवान दास के सुपुत्र उनके नाती हैं अंतर दृष्टि से जब देखलन है कि तक घरदानी औघर दानी भगवान भोलेनाथ का है अच्छा तो पंचो ये धरती पे भारत के धरती पर कई करोड़ देवी देवता हो केहू के हाथे का पूजा हो ले केहू के कपारे का पूजा हो ले केहू के घोड़े का पूजा हो ले लेकिन भगवान भोले दानी का पूजा कौन चीज का हो ले इनके लिंग का पूजा हो ले सही बात है शिवलिंग का पूजा हो ले इनका चढ़ावा का है भांग धतूरा बिलपतई गाजा मान जाने भगवान जल्दी प्रसन्न हो जाने वरदानों जल्दी दे दे हनुमान जी है सोचत हो इनके बारे भगवान
आज वरदान दे के ये पानी बिगड़वाओ थुआ लेट गए धरती पर वरदान का अपमान नहीं कैलन मकरंदवा कलश उठा उठा मलंग हुआ था। सोचत हूँ मन में पट्टे अगर भगवान भोलेनाथ साथ ना देता है तो एक गधा में परलोक चल जाता है। के प्रेम के एक धागे में बंधे हैं लोग। आज जंगलवा में होत कबा लगत कोनो राक्षस आगल है भेष बदल के लड़का के भागल गलहत राज दरबार में भगवान मर्यादा पुरुषोत्तम रामचंद्र जी सिंहासन पर बैठे थे। बगल में लखन भ्राता बैठे थे। सारी बतिया जब गुप्तचर बतौले सर रोए रो के तब लखन भैया गुस्सा दिमाग कर लन भगवान क्षमाशील थे। लखन उठलन कलम भ्राता हे प्रभु हमें आदेश दीजिए एक ही बाण मारूंगा लंका में जाकर के वह गिरेगा। मर्यादा पुरुषोत्तम रामचंद्र जी कहते हैं कि भ्राता गुस्से में कोई कार्य का हल नहीं होता। जाओ उसको मना करके कोई भी हो उसको मना करके प्रेम से उसके वतन भेज देना। रथ पर सवार होके लखन जी चलन है तो देखा भाव है बजरे जब पहुंचने लगा वही अयोध्या के जंगल में तो बरगदवा के पेड़वा वरिया घूमा था हनुमान जी के चरना दे ले तनी लाई खा जे तोहार वही उ गईबे करी भैया हां हो जल तरकस में कोई पार नहीं बचा। रथवा पर खड़ा होके झंखत हो लखन भैया जाए के कलाई के पकलस कलस रे भैया बड़ा लवैया बनक रहा तुहार स्थान चलावे बरगद के पेड़ में हो गैल हो हनुमान जी से कलस गए हनुमान जी तैसे पोछिया बढ़ा दा नाथ मजबूर होकर के भगवान पोछिया के बढ़ोलन लखन के भी बरगदवा के पेड़वा में बांध दलस। जब बांध लेबा भैया तो गुप्तचर फिर भागता हुआ रोता हुआ रात दरबार में पहुंचा है। लीलाधारी मर्यादा पुरुषोत्तम रामचंद्र जी कुलसिनीय कुलबतिया देखत रहे दुनिया का मालिक जाके कुल बात तो बोलो सर रथ पर सवार होके भगवान चले हैं तो आल्हा का भाव है किसे भैया पहचान वही समारिया
भगवान को आना पड़ा और कहते हैं कि अरे भैया तू के हुआ, कहे इतना अनादर करत हुआ भैया। कहा जाता है कि बड़े लोगों का जो आदर करता है, सम्मान करता है, उसको हर समाज में हर जगह सम्मान मिलता है। तू काहे करत हुआ, कवन दुश्मनी है भैया? मकरंदवा सोचा था कि अरे यो जाने आएगा ना चिकनी चुपड़ी बात करे। अब अपने गुस्से में लाल होकर के मकरंद बानस कि तू लड़ाई के मैदान में चिकनी चुपड़ी बात शोभा नहीं देती है रामचंद्र जी। मैं लड़ाई करने आया हूँ, कसम खाया हूँ, वो अयोध्या को चला करके जाऊंगा, फूंक के जाई। गगन यादव सत्यपुर की धरती से बहुत रुपए का आशीर्वाद, चरणों में बहुत बहुत प्रणाम। ये भैया इतना बतिया हो तब तक पीछे मुड़ल है और सोचा था कि तनी यूज कैली, अभी तो यूज कैली ना, जो मुहावा से हवा निकले अग्नि के समान तनी हो के देख ली भगवान दे ले हो कि ना। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय के जाप पे के जब फुकल था फुकत हो पर भगवान भोलेनाथ विश्वास हो गए। लगल है आग लगावे जंगल में, रहवासी आदिवासी जीव जंतु पेड़ पौधा जल के भैया राख होत हुवन, लोग पशु पक्षी जल के मरत हुवन। भगवान राम घबरा गए कि अरे 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 बाबू, अरे लड़का, ये प्रलय के रोक दो, दुश्मनी हमसे है न कि पशु पक्षी आदिवासी रहवासी जीव जंतुओं को क्यों मार रहे हो, दुश्मनी हमसे है तो हमसे बदला लो। कलश की यत करे आल हिला, सबके खत्म कराओ। लाचार होकर के भगवान रामचंद्र जी और मकरंद में लड़ाई होती है, लाचार हो जाते हैं भगवान शिव शक्ति के आड़ में। मकरंद पराजित करने चला है भगवान रामचंद्र जी को, लाचार होकर के भगवान जब अंतर दृष्टि से देखलन ये तो करदानी भोले दानी का हो, भगवान भोलेनाथ के हाथ जोड़ के कहलन कि हे नाथ आवा एकर निवारण आपे के करे के बा। डमरू बजावत भगवान भोलेनाथ सामने खड़ा भेलन, दोनों ओर से प्रणाम भेल। मर्यादा पुरुषोत्तम राम कहते हैं कि आपका वरदानी है, आपका दिया हुआ यह वरदान ले करके यह तो निर्दयी बन गया है, अधर्मी बन गया है। प्रभु भगवान लाचार होकर के कहलन कि मैंने तो वरदान दिया, इसके भक्ति पर प्रसन्न होकर के बच्चा समझ करके कुछ और मांगे, लेकिन मांग ले कुछ और, लेकिन काट है। हे रामचंद्र जी, जब तक ओम नमः शिवाय करता रहेगा आप इसका बाल बांका नहीं कर सकोगे। भगवान राम कलन हे प्रभु उपाय करा, कलन अपने माई मंदोदरी के जान से बढ़ के माने ला। हे रामचंद्र जी माया की मंदोदरी सजा लीजिए और माया के मंदोदरी के ऊपर धनुष पर बाण चढ़ा करके मारिए। 5 मिनट का मौका है, अगर भुला जाई मकरंदवा ओम नमो शिवाय का जाप तो फायदा ही फायदा है, अगर ना भूलल तो मैं भी लचार हूं। आखिरकार माया की मंदोदरी भगवान रामचंद्र जी बना लिए और खींच के बड़वा जब मारे गेलन हन, मकरंदवा देखा था कि अरे हमार माई, अरे माई तू लंका छोड़ के यहाँ का कर आयलू, हम तो अकेले काफी है ला। जो 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 माई जो हम आवा थिला तू जो हो धनुष बाण छोड़ दलस फेंक दलस ममता में प्यार में माई की ओर चलल हा, तब भगवान भोलेनाथ कलन की यही मौका है। रामचंद्र जी धनुष पर बाण चढ़ा करके मारिए, मैंने वरदान दिया था इसको धर्म की रक्षा करने के लिए, अधर्म का साथ देने के लिए नहीं। यह खमंडी है, कहा गया है जहां मैं तहां मरना है। मारिए भगवान रामचंद्र जी धनुष पर बाण चढ़ा के मरलन है, एक कलेजा के पार कैले सब बाण धरती पर गिरल, मकरंदवा तक गिरल रह गल, चिड़िया चुरमुन चहके लगल, जहां लगत रह कि काला बादल मिल रहा था अयोध्या पर
आज चिड़िया चुरमुन चक्का लगल रहे तो भाव खड़ी कलाएंगे कैसे बाबू बड़े भैया बादल यादव सत्तोपुर की धरती से ये 50 रुपए का आशीर्वाद भैया को वो प्रणाम करता हूँ कैसे आवा भैया हनुमान जी लखन से कहन कि हे लखन हे भैया अगर भगवान नहीं आते तो हार हमार जान ना बचत का कल ना हनुमान के लखन भ्राता को छोड़ोलन है जब छुटलन है लखन ए लखन और हनुमान जी भगवान के चरणिया पकड़ के रोवे लगल प्रमाण मिला बाबूजी कि वीर बली हनुमान जी अपने सुवन के धारा से मर्यादा पुरुषोत्तम रामचंद्र जी के चरणिया धोवत रहन भगवान उठा लिए और गले से लगाते हैं कि हे हनुमान जहां राम वहां हनुमान तब रोए के हनुमान जी से बात करन हे प्रभु कहल गईल हो कि जहां मैं तहां मैं नाही जहिया दुर्लंका पर विजय प्राप्त करके प्रभु अयोध्या की तरफ प्रस्थान करत रहलाम रहिया में जब पहुंचला सात समुंदर पार करके प्रभु जब दहरिया में पहुंचला आप कहला कि हे हनुमान मुझे काशी चलना है स्नान करना है भगवान शिव का दर्शन करना है मुहूर्त रहिया में बीत गई हो प्रभु जी और एक सरोवर और एक भगवान शिव का मंदिर मिला रहिया में तू वो सरोवर में नहिला और जात रहला भगवान शिव के मंदिरवा में भगवान का पूजा करे आपको मुनरिया वही सरोवरवा में गिर गल हो नाथ हमके कहला कि हे हनुमान पूजा में देरी हो रही है मुहूर्त बीत जाएगी हनुमान जी हमार मुनरिया गिरल बा जाए के सरोवर में खोज के लिया बा चचा 2 मिनट मुनरिया खोज के लिया बा वही दिन आए प्रभु हम के घमंड हो गई लहु काहे बता हमारे मन में यह जिज्ञासा उठल कि भगवान हमके छोटे छोटे काम रह दे ला यह ठीक नहीं करल धौलागिर पर्वत उठा के लिए ली सात समुंदर पार करके सीता माई का पता लगौली तनको सिकन्ना भइल लेकिन भगवान हमके छोटे छोटे काम रह दे ला यह ठीक नहीं करल हे प्रभु जब मुनरिया की गहली खोज के पकड़े तो मुनरिया पताल लोग भागत रहल प्रभु प्रमाण मिलल कि मुनरी चली गई पताल लोग और पनिया में हमके पसीना होत रहल हो नाथ जना कि हमार प्राण पे खेरू उड़ जाई पताल लोग में चली जाती है और मुनरिया गई तो गई कहां कहां समा गई एक घड़ा रहल प्रभु वो घड़ावा में जाके मुनरिया समा गई जब के निकाले गई एक का मुनरिया कई हजार रूप में हो गई प्रभु जब तोहार नमावा ले ली तो हमार प्राण बचन प्रभु आज भगवान कलेजा से लिपटा ले हनुमान जी के कलन की हे हनुमान जहां राम तहां हनुमान हो लेकर के भगवान चले हैं तो भाव है कैसे प्रभु श्री राम देशक तुम चढ़ाओ थोड़ा हाँ चढ़ जा कहाँ चले अच्छा ना चढ़ा ठीक ना पतिया भी चढ़ा
तेरी माया। विमल चंद्र का प्यारे लाल, कहीं धूप कहीं छाया।